जहां हाथियों की मौत पर अब वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। जी हां, सूरजपुर इलाके में हाथियों की मौत पर चिंता जताई गई। वन्य प्राणी प्रेमी नितिन सिंघवी ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन विभाग के पास मॉनिटरिंग की कमी है ऐसा बताया जा रहा है। किसी भी तरह के साइंटिफिक काम करने का अभाव है। संक्रमण किस कारण से फैल रहा है पता नहीं लग पा रहा है। इसके पीछे के कारणों को जल्द से जल्द पता करना जरूरी है। आने वाला समय में मौतों को रोकना बेहद जरूरी है। तो सूरजपुर इलाके में हाथियों की मौत पर वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। वही वन्य प्राणी नितिन सिंघवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, ये बेहद चिंताजनक विषय है। हम जानना चाहेंगे, आपके साथ वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं, आप उनसे जानें कि आखिर इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं और आगे क्या कुछ एहतियातन कदम उठाने होंगे। बिल्कुल करिश्मा, वाकई बहुत चिंता की बात है और संवेदनशील मामला है। हाथियों की मौत हुई है, दो दिन में तीन, एक गर्भवती हथिनी थी जिसकी मौत हुई है। और सबसे चिंता की बात है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मौत की वजह क्या है। कभी बीमारी, कभी संक्रमण, कभी कुछ और बातें सामने आ रही हैं। वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। सर, जो मामला सामने आ रहा है, लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्यों लापरवाही है, क्या दिक्कतें आ रही, आखिरकार क्यों इतना संवेदनशील हो गया विभाग? बड़ा कैजुअली इन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया, दूसरे का तो अभी तक के हो नहीं पाया है और इनको खुद को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और इसका सिर्फ मुख्य कारण है अनुभवहीनता, और अनुभवहीनता के साथ साथ में ये विभाग जो है एक्सपर्ट्स की राय भी लेना नहीं चाहता है। अब ये क्या रूप धारण करेगा, ये जहर से डेथ हुई है या कोई संक्रमण फैल गया है, और संक्रमण फैल गया है तो कितना ज़्यादा ये फैल रहा है और दूसरे जानवरों पर पहुँचेगा क्या, ये कोई भी जो है विचार नहीं किया गया। इसमें पूरी वन विभाग की लापरवाही ही नज़र आ रही है। क्या सर एक्सपर्ट्स की कमी है, कहाँ दिक्कत है? वन विभाग के पास में अभी तक के हाथी के क्षेत्र मामले में कोई भी साइंटिफिक अप्रोच वाला एक्सपर्ट ही नहीं है। ये खाली जो है तात्कालिक जो है कि हॉर्न बजा करके आवाज़ करके हाथी भगाने तक के ही इनका विचार रहता है। रेडियो कॉलर लगा करके ये बड़ा भारी सफलता प्राप्त करते हैं कि जैसे रेडियो कॉलर ही जो है अंत है, समाधान है सब चीज़ों का। साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है इनके पास। 10, 20, 25 साल का प्लान तैयार होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, हम इनको वापस वन क्षेत्रों में कैसे भेजें जिससे शहरी क्षेत्रों में नहीं आए, वो भी इनके पास में प्लान नहीं है। इनके पास में हाथियों के संबंध में जो है हाथियों के स्वास्थ्य और हेल्थ जगह उसके जानकार नहीं है। तो ये सब समस्याओं के कारण से वन विभाग जो है वो अपना ही खुद ही जूझ रहा है। पहले भी कई बार मौतें हुई है, चाहे हाथियों की बात कर लें या फिर अभयारण्य में हमने मौतें देखी हैं जीव जंतुओं की। संक्रमण बता दिया जाता है, कोई नतीजा है उसके बाद सामने नहीं आता। देखिएगा, अब संक्रमण सबसे अच्छा जो है वो हमारा एक गार्ड है कि हम संक्रमण बता देंगे, पर हरदम इनका संक्रमण बताना सफल भी नहीं रहा है। संक्रमण अगर रहेगा तो वाकई में बहुत फैलेगा। संक्रमण के नाम से ये मीडिया को शांत कर सकते हैं कि संक्रमण हो गया तो मीडिया भी शांत हो जाएगा कि संक्रमण है साहब, हेल्पलेस हैं। पर संक्रमण अगर होता है तो व्यापक स्तर पे संक्रमण होता है, ये सामान्य एक बोलने से नहीं होगा। इसके लिए लैब में टेस्टिंग होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर की लैब है उसमें, और उसी के बाद में ही ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये जो पूरा मामला सामने आया है मौतों के हाथी का, क्या दरअसल इसमें होना था? इसमें पहले दिन ही गंभीरतापूर्वक पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या कारण है। उसमें सिस्ट निकलना, इन्होंने बताया कि 200 सिस्ट निकल गए हैं और लीवर में प्रॉब्लम थी। लीवर में प्रॉब्लम थी तो इनके पास बायोलॉजिस्ट अगर होता तो वो डेली मॉनिटरिंग के संबंध में देख सकता था कि वो लूज मोशन कर रही है, इसको विभिन्न तरह की तकलीफ हो रही है। तो पीएम में ही पहले दिन इन्होंने अनुभव डॉक्टर से पीएम नहीं कराया, जिसके कारण से अब ऐसी भी चर्चा है कि वो उसकी बॉडी को वापस निकाला जा रहा है गड्ढे में से और दोबारा उसका सैंपल वगैरह लिया जाएगा। पहले दिन उन्होंने सैंपल तक के नहीं लिए हैं। तो ये पूरी के पूरी बातों से जो है अनुभवहीनता ही प्रदर्शित होती है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए तो अनुभवहीनता और दूरदर्शिता की कमी साफ तौर पे नजर आती है।
और ये कोई पहला मामला नहीं है। जब भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, संक्रमण या कोई और कार्य या कोई बहाना बना दिया जाता है, थोड़े दिन ये मामला चलता है, शांत हो जाता है, फिर उसके बाद फिर कभी कोई मौत होती है तो फिर मामले में उछाल आता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। भारी भरकम बजट वाला ये विभाग क्यों इतना असंवेदनशील है, ये अब तक समझ से परे है। जानवरों को लेकर, वन्य प्राणियों को लेकर लगातार लापरवाहियाँ बरती जाती हैं और ये बातें समय समय पर सामने दिखती भी रहती है, उसके बावजूद कोई सुधार नहीं है, किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंगती। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आने वाले समय में मौतों को रोकना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ठीक तरीके से कदम उठाए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।